क्लास में पुनः आपका स्वागत। माँ सरस्वती को नमन करते हुए विषय की ओर अग्रसर होते हैं। हम हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत बीए भाग दो के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित कर्मभूमि उपन्यास हमारे अध्ययन का विषय है। कर्मभूमि उपन्यास के कथानक की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत आज हम कर्मभूमि उपन्यास का औपन्यासिक तत्वों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए मूल्यांकन की तरफ अग्रसर होते हैं। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी की एक कालजयी रचना है। यह उपन्यास पूरी तरह से स्वाधीनता पर आधारित है। इस उपन्यास में नारियों और दलितों के दमित भावनाओं को उजागर करने का प्रयास प्रेमचंद जी करते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों और मजदूरों का जो शोषण हो रहा था, उनकी जो समस्याएं व्याप्त थी, उन समस्याओं को से निजात दिलाने के लिए अनेक आंदोलन होते हैं और उन आंदोलन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना भी प्रेमचंद जी का उद्देश्य रहा है। उपन्यास तत्वों के आधार पर कर्मभूमि की समीक्षा इस प्रकार है। जब हम उपन्यास तत्वों के आधार पर समीक्षा करते हैं तो उसके अंतर्गत हम जानते हैं कि पूरे उपन्यास अथवा कहानी की कथा वस्तु क्या है, भाषा कैसी है, उसके पात्र किस प्रकार के हैं, उनकी संवाद योजना कैसी है, उस उपन्यास अथवा कहानी का वातावरण कैसा है, या पूरा मिला के कहिए तो हमें उस उपन्यास की एक एक चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कथानक, कर्मभूमि उपन्यास का कथानक दो अंचलों की कथाओं से मिलकर तैयार हुआ है। अर्थात उपन्यास में दो तरह की कथाएं हैं, एक ग्रामीण और एक नगरीय, और दोनों कथाओं को जोड़ने में अमरकांत मुख्य रूप से सामने आए। दोनों कथाओं का, या ग्रामीण हो या नगरीय हो, दोनों का संबंध स्वाधीनता से ही रहेगा। उपन्यास का प्रारंभ होता है फीस वसूली के साथ, स्कूल में फीस वसूली के साथ उपन्यास प्रारंभ होता है। उपन्यास में कुल 5 भाग हैं जिसका हम लोग एक भाग का अध्ययन कर चुके हैं। इससे कथानक हम लोग के सामने एकदम स्पष्ट है। कथानक में कुछ में जानना नहीं है कि पूरे उपन्यास की कथा वस्तु कैसी है। नगर की कथा में अछूतो उद्धार या मजदूर की आवासीय व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि नगर की कथा जब पढ़ेंगे तो अछूत मजदूर की समस्या उसमें आ जाएगी, और गांव की कथा जब हम पढ़ते हैं उसमें दलितों की समस्याएं आती हैं। कुल मिलाकर के पूरे उपन्यास की जो कथा वस्तु है वह समस्याओं पर आधारित है। वह समस्या किसानों की, नारियों की, अछूतों की, दलितों की, शिक्षा की अथवा स्वाधीनता, इस सारी समस्याओं को उजागर करना ही प्रेमचंद जी का उद्देश्य रहा है और पूरे कर्मभूमि उपन्यास की वही कथा वस्तु। चित्र चित्रण, कर्मभूमि उपन्यास के पात्र नगर से भी लिए गए हैं और गांव से, क्योंकि जो उपन्यास की कथा वस्तु है वह गांव से भी संबंधित है और नगर से भी, यानी कि काशी नगर से और हरिद्वार के समीप गाँव से। जब दो गांव और नगर से कहानी संबंधित है, कथा वस्तु संबंधित है, तो स्पष्ट है कि पात्र भी दोनों जगह से होंगे, यानी ग्रामीण पात्र भी होंगे और नगरीय पात्र भी होंगे। इस तरह से अगर हम नगरीय पात्र में देखेंगे तो समरकांत, अमरकांत, सुखदा, नैना, प्रोफेसर शांति कुमार, ये सारे पात्र नगरीय पात्र, नगरीय पात्र के रूप में हमारे समक्ष आएंगे। और ग्रामीण पात्र देखेंगे तो मुन्नी, सलोनी, गुदर चौधरी, आत्मानंद इत्यादि नगरी ग्रामीण पात्र के रूप में हमारे समक्ष आएंगे। एक एक पात्र की अपनी भूमिका है, अपना महत्व है। प्रेमचंद जी हर जाति, धर्म, वर्ग के पात्रों को अपने उपन्यास में स्थान दिए और हर जाति धर्म के पात्रों को अपने उपन्यास में स्थान देने का इनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि उस सामाजिक जो वातावरण थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उससे हमें परिचित कराना था कि एक समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हुए भी हम किस प्रकार संगठित होकर के कार्य कर सकते हैं, जो उपन्यास के अंत में दिखाई देता है। संवाद योजना, पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को हम संवाद करते हैं, अर्थात जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसी को संवाद करते हैं। संवाद ही कथा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है, अर्थात जैसे जैसे संवाद होंगे कथा आगे बढ़ती जाती है। कर्मभूमि उपन्यास के जो संवाद अत्यंत रोचक है, जब हम पढ़ते हैं तो हम कहीं भी निराशा नहीं लगता, बोझिलता कहीं भी नहीं लगता है, हमें एक आनंद की अनुभूतियाँ होती है और
जाते हैं। संवाद अत्यंत सरल, संक्षिप्त, रोचक है। इसके अतिरिक्त वह पात्रों के मानसिक अवस्था को, पात्रों के विचार को भी प्रदर्शित करने वाले हैं। अर्थात संवाद के माध्यम से ही हम पात्रों की मानसिकता का पता लगा लेते हैं, पात्रों के विचार को हम जान लेते हैं कि यह किस प्रकार की मानसिकता, किस प्रकार का विचार रखने वाला व्यक्ति अथवा पात्र है। इसका एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि समरकांत और अमरकांत में बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है और वह संवाद धर्म पे हो रहा है। अब आप यहाँ देखिएगा कि मानसिकता कैसे सामने आ रही है। समरकांत कहते हैं अमरकांत से कि धर्म क्या चीज है तुमको पता है? कभी साल में एक बार भी गंगा स्नान किए हो? कभी किसी देवी देवता को जल चढ़ाए हो? कभी कोई पूजा पाठ किए हो? जिंदगी में कभी भी कभी राम का नाम लिया है? कहता है अमरकांत सुन के हंसता है और कहता है कि जिससे पूजा पाठ और व्रत त्योहार गंगा स्नान की आप बात कर रहे हैं वह धर्म का एक साधन मात्र है, धर्म नहीं। अब देखिए दोनों की मानसिकता सामने आ रही है। समरकांत जो पूजा पाठ अत्यधिक करते हैं, बेईमान स्वभाव के व्यक्ति हैं लेकिन पूजा पाठ में मन लगाते हैं। अमरकांत पूजा पाठ को ढोंग समझता है लेकिन ईमानदार, यानी कि दोनों की मानसिकता उनके विचार उनके कथन के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण यहाँ भी है कि अमरकांत ने गर्व से कहा, चरखा रुपए के लिए नहीं चलाया जाता और किस लिए चलाया जाता है? आत्मशुद्धि के। यहाँ भी दोनों के विचार पिता पुत्र की मानसिकता दिखाई दे रही है कि एक जो रुपए में ही सब कुछ मान रहा है और एक जो रुपए को कुछ नहीं मान रहा। संवाद के बाद देश काल वातावरण, कर्मभूमि का रचनाकाल 1932 ईस्वी। इस बात को हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्मभूमि उपन्यास लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था, वातावरण क्या है। 1932 ईस्वी का वातावरण, 1932 में जो भी समस्याएं व्यापी थी, जो भी सामाजिक परिदृश्य था, उन सबका हूबहू चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। उसमें की जो समस्याएं थी, वो समस्याएं चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, व्यक्तिगत हो, जो भी हो, उन सारी समस्याओं का सजीव चित्रण, जीवंत चित्रण, यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि उपन्यास में किया है। पूरी जो घटनाएं थी 1932 की, उस पूरी घटना को इसमें चित्रित कर दिया गया है। इस तरह वातावरण को लेकर के हमारे अंदर कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास भी है, एक सामाजिक उपन्यास भी है, एक यथार्थ उपन्यास भी। देश काल वातावरण को देखते हुए एक शब्द में कहना हो तो 1932 का जो सामाजिक परिदृश्य था, जो माहौल था, जो वातावरण था, उनका हूबहू चित्रण, यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। भाषा शैली, कर्मभूमि उपन्यास की जो भाषा शैली है साधारण बोलचाल की भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा रखने के पीछे कारण यह है कि उपन्यास ग्राम से भी संबंधित है, ग्रामीण लोगों से भी संबंधित है। जब ग्रामीण लोगों से संबंधित होगी तो बोलचाल सामान्य होना स्वाभाविक। हिंदुस्तानी शैली है, हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण है। एक वाक्य यदि हम पढ़ेंगे उसमें अधिकांशतः हिंदी और उर्दू दोनों के शब्द मिलते दिखाई देंगे। संस्कृत, तत्सम, तद्भव, देशज, अंग्रेजी, इन सब का प्रयोग इसमें किया गया है। एक उदाहरण देखिए ग्रामीण शब्दों का कि मुन्नी ने पूछा क्या सोचती हो काकी। जो काकी शब्द आया है वह ग्रामीण शब्द है। इस तरह से प्रेमचंद जी भाषा के स्तर पे इस उपन्यास को अत्यंत सुंदर बना दिए। सुंदर बनाने का कारण यह है कि हर पात्र की अपनी भाषा है, हर पात्र की उसके भूमिका के अनुसार भाषा है और जिसको पाठक आसानी से समझ सकता है और समझने के साथ साथ वह आनंद की अनुभूति भी कर सकता है। जब एक एक पात्रों के वार्तालाप पढ़ते हैं तो उसमें उनकी भाषा देखते हैं, कहीं उस भाषा में आक्रोश है तो कहीं अत्यधिक ममत्व है तो कहीं अत्यधिक वेदना है, और जिसको कोई भी चाहे अशिक्षित हो या शिक्षित हो आसानी से अनुभूत कर सकता है। उद्देश्य, प्रेमचंद जी लिखते हैं स्वयं के बारे में, स्वयं के विचार व्यक्त करते हैं कि मैं उसी साहित्य को, उस रचना को खरा मानता हूं जिसमें स्वाधीनता की लत हो, जो जिसमें वह गति हो जो संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, जो सुलाने का काम करे, ऐसे साहित्य को मैं खरा नहीं मानता।
अर्थात प्रेमचंद जी ये बताते हैं कि वही साहित्य उत्तम होगा जो हमारे अंदर संघर्ष पैदा कर दे, जिसको पढ़ने के बाद हम एक साहस की भावना से भर जाएं और कुछ करने का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। अब प्रेमचंद जी का जो ये वाक्य है कि साहित्य वही खरा है जो हमें संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, हमें सुनाने का कार्य न करे, क्योंकि अब सुनने का मतलब है मृत्यु के लक्षण प्राप्त होना। अर्थात अगर अब हम न जगे, अब हम अपने विषय में नहीं सोचे, तो हमारी स्थिति और भी भयावह हो जाएगी और तब उससे निपटना, उससे छुटकारा मिलना अत्यंत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उद्देश्य इनका तत्कालीन 1932 की समस्याओं से अवगत कराना, उनका चित्रण करना, कहीं ना कहीं उनसे मुक्ति दिलाना ही प्रेमचंद जी के उपन्यास का उद्देश्य रहा है। वो समस्याएं हर रूप में विद्यमान थी और जिस रूप में विद्यमान थी उसको उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करना और उनसे कैसे छुटकारा मिले इसका निदान भी प्रस्तुत करना प्रेमचंद जी के उपन्यास का उद्देश्य रहा है। इस प्रकार प्रेमचंद जी के उपन्यास की भूमिका जब हम उपन्यासिक तत्व के आधार पर मूल्यांकन करते हैं तो कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, देश काल वातावरण, उद्देश्य, इन सारी दृष्टियों को देखने के बाद अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का कर्मभूमि उपन्यास उपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से एक सफल उपन्यास है। अर्थात इसमें कोई कहीं कोई संदेह नहीं है कि यह एक कालजयी रचना है, यह हिंदी साहित्य की एक मुकुटमणि है। इस प्रकार औपन्यासिक तत्व के मूल्यांकन के साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। कर्मभूमि उपन्यास के व्याख्या भाग के साथ पुनः अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।